बलरामपुर में भारतीय जनता किसान मोर्चा के द्वारा ट्रैक्टर रैली निकाली गई, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अलावा किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री सिद्धार्थ अवस्थी भी शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंह ने स्वयं ट्रैक्टर चलाते हुए बिजलीपुर मंदिर में तहसील गेट तक पहुंचे, जिनके साथ में गैसड़ी विधायक शैलेश सिंह शैलू और सैकड़ों ट्रैक्टर समेत किसान भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में रैली में शामिल हुए किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री सिद्धार्थ अवस्थी ने बात करते हुए कहा कि पार्टी किसानों के में कार्य कर रही है। भारतीय जनता किसान मोर्चा द्वारा आयोजित आज ट्रैक्टर रैली का आयोजन हुआ, जिनमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों का सानिध्य प्राप्त हुआ और समस्त कृषकों द्वारा एक अभूतपूर्व अविस्मरणीय रैली आज का यहां पर आयोजित की गई। इसका महत्व इतना ही है कि जिस तरीके से किसानों के हित में भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, तो किसानों द्वारा भारतीय जनता पार्टी का एक अभूतपूर्व सपोर्ट वो हर जनपद में दिखाया जा रहा है। और इसी कारण से जो भी प्रसंग चल रहे हैं कि किसान हित में जितने भी कार्य भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए हैं, उनको लोगों से साझा किया जा रहा है। देखिए, आज जो हमारे जनपद बलरामपुर में किसान मोर्चा द्वारा ट्रैक्टर की रैली आयोजित की गई थी, उसमें उद्देश्य सिर्फ यही है कि हमारा जो गांव गरीब किसान सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और हमारे स्पेशली देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी जो निर्णय लेते हैं देश हित में, उसकी एक उद्गार किसानों में आई कि जो अभी कानून 3 वापस किए, उससे भी किसान उत्साहित हुए, क्योंकि उससे यहाँ किसानों कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। लेकिन कुछ तथाकथित किसान इसको मुद्दा बना के हम किसानों के कंधों पे बंदूक रख के